Good morning class. This is our new anaphysio class in which today we are going to start our new chapter that is reproductive system. देखिए बच्चों अपने अपने almost जो system थे वो हमने complete कर लिए हैं तो आज हम अपना ये last system पढ़ रहे हैं that is reproductive system. We will study about the anatomy and physiology of reproductive system of both male and females together. एक साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि मैं कोई भी सिस्टम जब पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले हम कुछ क्लासेस के अंदर उसको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं या उसकी इंट्रोडक्टरी क्लास होती है तो इंट्रोडक्टरी क्लास में अपन इनको एक साथ ही पढ़ेंगे. उसके बाद जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन इंडिविजुअली इन सिस्टम्स को देख लेंगे. तो आज अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ना है, इनर जेनिटेलिया पढ़ना और ब्रेस्ट रीजन पढ़ना है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वल्वा हमें पढ़ना होता है जबकि इंटरनल में वेजाइना, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, ओवरी, रिप्रोडक्टिव साइकिल और मीनोपॉज पढ़ते हैं और फिर ब्रेस्ट को इंडिविजुअली हमें पढ़ना होता है. जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे भाई, स्क्रॉटम, टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिथ्रा एंड पैनिस और इजैक्यूलेशन का प्रोसेस. तो ये तो अपने आउटलाइन है इस सिस्टम की. अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है. तो देखिए सबसे पहले रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग को नॉन लिविंग मैटर से अलग करती है. हमें कैसे पता चलता है कोई चीज़ लिविंग है कोई चीज़ नॉन लिविंग है, क्योंकि लिविंग जो थिंग होती है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है पर नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकती. टेबल ऐसा नहीं है कि मैं 4-5 साल घर में रख लूँ तो वो 1 से 2 हो जाएंगी, कभी नहीं होएगी, ज़िंदगी भर रखे रखो नहीं होएगी. तो वो क्योंकि नॉन लिविंग मैटर, क्योंकि लिविंग मैटर जो है वो रिप्रोड्यूस करता है. ज़्यादा प्रिमिटिव जो एनिमल हैं उनमें सिंपलर प्रोसेस का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जबकि मैमल जैसे ह्यूमंस वगैरह उसमें जो रिप्रोडक्शन हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली अलग अलग होते हैं. नए इंडिविजुअल डेवलप होंगे, दो अलग अलग सेक्स सेल्स जिसको अपन गैमेट्स कहते हैं उन दो अलग अलग गैमेट्स के फ्यूजन से नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है. मेल गैमेट को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं जबकि फीमेल गैमेट्स को हम ओवा कहते हैं. फीमेल प्रो सिस्टम के फंक्शंस देखिए भाई, इसका काम क्या है, ओवा का फॉर्मेशन करना, ओवा बनाना या ओवा को प्रोड्यूस करना, फिर स्पर्मेटोजोआ को रिसीव करना, फिर फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रदान करना और फीटस का डेवलपमेंट करना, फिर पार्चुरीशन यानी चाइल्ड बर्थ करवाना और फिर लैक्टेशन यानी मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करना ताकि बेबी को अपनी अर्ली लाइफ में पूरा नरिशमेंट मिल सके. तो बेबी को नरिश करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना, तो ओवा बनाना, स्पर्मेटोजोआ रिसीव करना, फर्टिलाइजेशन के लिए एनवायरनमेंट बना करके फीटल डेवलप करना, पार्चुरेशन, लैक्टेशन. अब सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमें पढ़ना है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल पढ़ेंगे देन इंटरनल पढ़ेंगे. तो आज की क्लास अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ही कवर करेंगे जो होता है वल्वा. एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम क्या कहते हैं, वल्वा. एक्सटर्नल जेनिटेलिया को कलेक्टिवली अपन वल्वा कहते हैं जो बना होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइनल ऑरिफिस, वेस्टिब्यूली हाइमेन और वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स का, जिसको अपन क्या कहते हैं, बर्थोलिंस ग्लैंड्स. ये सब मिलके क्या बनाते हैं, वल्वा बनाते हैं. लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेजाइनल ऑरिफिस, वेस्टिब्यूली हाइमेन, वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स या बर्थोली ग्लैंड्स. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल. यू कैन सी टॉप मोस्ट क्लाइटोरिस आपको दिखाई दे रहा है, फिर क्लाइटोरिस के फ्रनलम दिखाई दे रहे हैं, नीचे जो लाइन सी दिखाई दे रही है आपको,
यहाँ पर ये जहाँ पर ओपन होता हुआ लग रहा है वो वेस्टिब्यूली है, फिर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का ऑरिफिस जो छेद है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस, फिर बाहर जो बड़े साइज़ का दिखाई दे रहा है वो लेबिया मेजोरा है, अंदर स्मॉल साइज़ का लेबिया माइनोरा, ये वेजाइनल ऑरिफिस है जहाँ पे वेजाइना खुल रहा है, ये पेरिनल एरिया आपको नीचे ट्रायंगुलर एरिया दिखाई दे रहा है जिसको पेरिनल एरिया कह रहे हैं, जो कि किसके पास में है, एनस के पास में है, एनस जो हम लोगों ने एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था। तो ये सारा ये एनाटमी है, और ऊपर जो है वो मॉन्स प्यूबिस दिखाई गई, जो ग्रोथ सी दिखाई गई हेयर्स की ग्रोथ, हेयरी ग्रोथ, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द लेबिया मेजोरा। ये दो लार्ज फोल्ड्स होते हैं जो कि वल्वा की बाउंड्री बनाते हैं, ये बने होते हैं स्किन फाइब्रस टिश्यू और फैट के, जिसमें खूब ज़्यादा नंबर में सेबेशियस और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, लार्ज फोल्ड्स हैं बाहर की तरफ वल्वा के, बाहर या बाउंड्री बना रहे हैं, स्किन फाइब्रस टिश्यू फैट के बने होते हैं, इसमें खूब सारा सेबेशियस और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। लेबिया मेजोरा जिसको अपन ग्रेटर लिप्स भी कहते हैं, ये वेजाइना के चारों तरफ का पार्ट है जिसमें दो ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको अपन बर्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं, जो कि इंटरकोर्स के दौरान इस पार्ट को, इस एक्सटर्नल पार्ट को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करती है, ताकि ये जो इंटरकोर्स है वो भी इजी हो जाए और स्पर्म का मूवमेंट वगैरह सब कुछ ईजी हो जाए। प्यूबर्टी के दौरान मॉन्स प्यूबिस के ऊपर हेयर ग्रोज हो जाते हैं, और लेबिया मेजोरा के लेटरल सरफेस पर भी हेयर्स की ग्रोथ जो है वो दिखाई देती है प्यूबर्टी के दौरान, जबकि लेबिया माइनोरा ये स्मॉलर, दो स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं स्किन के जो लेबिया मेजोरा के बीच में पाए जाते हैं, लेबिया मेजोरा के बीच में पाए जाने वाले दो छोटे स्किन के फोल्ड्स हैं, इनमें खूब सारी सिबेशियस और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, इनको अपन लेसर लिप्स भी कह सकते हैं, उनको ग्रेटर लिप्स का इनको लेसर लिप्स कहते हैं, ये थिन हेयर लेसर रिजेस होते हैं, इन पे हेयर्स नहीं पाए जाते, हेयरलेस रिजेस हैं, वेजाइना के एंट्रेंस पर होता है, जो कि पीछे की तरफ ज्वाइन होते हैं, जॉइंट्स बिहाइंड एंड इन फ्रंट, फ्रंट और बिहाइंड में ज्वाइन रहते हैं, फ्रंटली ये स्प्लिट होते हैं ताकि क्लाइटोरिस को एनक्लोज कर सके, मतलब इसके अंदर क्लाइटोरिस एनक्लोज रहती है। क्लाइटोरिस अब क्या चीज़ है भाई, पैनिस की जैसी स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस है, जैसे मेल में पैनिस होता है, फीमेल में क्लाइटोरिस होता है, जिसमें सेंसरी नर्व एंडिंग्स और इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, क्लाइटोरिस में सेंसरी नर्व एंडिंग्स और इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। क्लाइटोरिस स्मॉल मटर के शेप की स्ट्रक्चर होती है जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल एक्साइटमेंट का फीमेल्स में, मेल में तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैनिस के थ्रू हो रहा है, फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट इस क्लाइटोरिस की वजह से हो रहा होता है, तो क्योंकि मेल के पैनिस की जैसी है पी शेप की स्ट्रक्चर है तो एक्साइटमेंट करवाती है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए क्लाइटोरिस रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको आप बर्थोलिन्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये सिचुएटेड ऑन ईच साइड नियर द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के हर एक साइड में ये पाई जा रही है लगभग, ये भी मटर के शेप जितनी छोटी सी होती है, इनकी डक्ट जो होती है वो वेस्टिब्यूली में खुलती है इमीडिएटली लेटरल टू द अटैचमेंट ऑफ द हाइमन, हाइमन के अटैचमेंट के लेटरल में इमीडिएटली ये वेस्टिबुली जो है वो खुलती है, और ये म्यूकस को सीक्रेट करती है ताकि वल्वा को मॉइस्ट बनाए रखा जाए, इसलिए ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है बर्थोलिन ग्लैंड्स। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज और नर्व सप्लाई देख लें अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो सबसे पहले आर्टेरियल सप्लाई, ये ब्रांचेस के द्वारा होती है, जो इंटरनल पेडेंडल आर्टरीज के जो ब्रांचेस होती हैं वो आ रही होती हैं, और दैट ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी, और ये ब्रांच, ये वाली इस आर्टरी ब्रांच निकल कहाँ से आ रही है, इंटरनल इलियक आर्टरी से आ रही है, और एक्सटर्नल पेडेंडल आर्टरी से आ रही है, दैट ब्रांच फ्रॉम द फीमोरल आर्टरीज।
ठीक है, तो इंटरनल पेडेनल आर्टरी आ रही है इंटरनल इलियक आर्टरी से, और एक्सटर्नल पेडेनल आर्टरी आ रही है फीमोरल आर्टरी से, फीमोरल आर्टरी की ब्रांच से, इन दोनों की ब्रांच से एक्सटर्नल इंटरनल सप्लाई हो रही है। वीनस ड्रेनेज जो है, दिस फॉर्म्स अ लार्ज प्लेक्सस विच इवेंचुअली ड्रेन्स इनटू द इंटरनल इलियक वेन। वीनस ड्रेनेज के लिए एक लार्ज प्लेक्सस बनाता है ये पार्ट, जो कि कहाँ पे ड्रेन होता है, इंटरनल इलियक वेन के अंदर जा कर के ये ड्रेन होता है। तो ये तो हुआ ब्लड सप्लाई। अब लिम्फ ड्रेनेज, सुपरफिशियल इनगुइनल नोड के द्वारा लिम्फ ड्रेनेज होता है, नर्व सप्लाई पेडेंडल नर्व्स की से जो ब्रांचेस आ रही होती है वहाँ से इसकी नर्व सप्लाई होती है। तो बस अब ये सप्लाईज अपन ने पढ़ ली। अब स्ट्रक्चर आ रही है पेरिनियम, जो कि एक रफली ट्राइंगुलर एरिया होता है, जो कि लेबिया माइनोरा के बेस से एनल कैनाल तक फैला होता है। एक रफ, अभी अपन ने जब सबसे पहले मैंने इसकी स्ट्रक्चर दिखाई, तो सबसे नीचे जो ट्राइंगुलर एरिया था ना एनस के पास ट्राइंगुलर एरिया, तो लेबिया माइनोरा से के बेस से शुरू हो रहा है, एनल कैनाल तक जा रहा है, वो पेरिनियम का ट्राइंगुलर एरिया है। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू मसल और फैट का बना होता है, और पेल्विक फ्लोर की मसल से जुड़ा होता है। कनेक्टिव टिश्यू मसल और फैट का बना होता है और पेल्विक फ्लोर की मसल से जुड़ा होता है पेरिनियम, जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया की लास्ट स्ट्रक्चर है। तो बस लास्ट स्ट्रक्चर हो गई, इसका मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट हो गया है। तो मैंने कहा था आज की क्लास में अपन केवल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको अपन वल्वा कहते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस वगैरह, सारी स्ट्रक्चर पेरिनियम तक अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। ब्लड सप्लाई वगैरह भी सब कुछ हो चुकी है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।